एक मुस्लिम ने दिया ऐसा बयान कि मुस्लिम धर्म गुरु हुए नाराज। से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। पिरान कलियर इलाके में चल रहा वैश्यावृत्ति का अड्डा। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। क्या कलियर इलाके में चल रहा गंदा धंधा। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे, एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे, पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। क्या ड्रग माफिया शराब माफियाओं का चल रहा अड्डा। लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं उनमें यही हो रहा है कि यहाँ से कैसे ड्रग्स रैकेट्स को साफ किया जाए। ये जनाब शदाब शम्स है, जनाब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, जिनके दावे को लेकर पूरे देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर शराब आ गए हैं। कुछ तो इनके दावे के साथ खड़े हैं और कुछ इनके खिलाफ हैं। दावा भी ऐसा जिसे सुनकर मुस्लिम धर्मगुरु अपनी बाहें चढ़ा चुके हैं, आंखों में अंगारे बरसे हैं, इनके निशाने पर आ चुके हैं। क्योंकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स कहते हैं कि वैश्यावृत्ति का अड्डा बना है पिरान कलियर का इलाका। सुनिए जरा कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे, एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे, पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है, किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वाले को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस बयान के बाद उठा तूफान कैसे छिड़ा है उसे बताएं, मगर उससे पहले पिरान कलियर दरगाह के महत्व को आपको समझ लेना चाहिए। जिस पिरान कलियर इलाके का जिक्र शदाब शम्स कर रहे हैं, कलियर की दरगाह में दरअसल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जायरीन यहां पर पहुंचते हैं। चलिए अब इसके महत्व को भी समझ लीजिए। दरअसल पिरान कलियर दरगाह का इतिहास उत्तराखंड के हरिद्वार में वर्ल्ड फेमस पिरान कलियर 13वीं शताब्दी के हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की पाक दरगाह है। रोजाए मुबारक पर लोग अपनी बिगड़ी बनाने के लिए बड़ी संख्या में यहां आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई, हर मजहब हर जाति के लोग दरगाहे साबिर पर बड़ी आस्था और अकीदत के साथ अपनी हाजिरी पेश करते हैं। रुड़की शहर से करीब 7 किलोमीटर और हरिद्वार मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर पिरान कलियर बसा हुआ है। अब ऐसे में शदाब के बेतुके बयान पर मौलाना अपनी नाराजगी जता रहे हैं। बयान बेतुका है या फिर नहीं, इसको लेकर भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तराखंड के एक कस्बे के बारे में जो बात कही वो पूरे उत्तराखंड पर लागू होती है। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार वो प्रवक्ता साहब चैनलों पर बैठते हैं और डिफेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब जो उन्होंने बयान किया तो ये समझिए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की हकीकत बयान की। और कलियर शरीफ तो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहीं पुलिस स्टेशन है, आए दिन वहाँ मेले होते हैं, अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ रहता है, अधिकारियों का वहाँ खूब आना जाना रहता है, महीना डेढ़ महीना कोई नहीं, बड़े से बड़े अधिकारी वहाँ नहीं आते। SSP ऑफिस से 15 मिनट की दूरी पर है, CO ऑफिस और SP देहात ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पर है। और कलियर शरीफ से अगर आप देखें तो कलियर शरीफ को अगर आप सेंटर माने तो कम से कम 10 थाने ऐसे हैं जो 15-20 मिनट की दूरी पर स्थित है। तो शदाब शम्स जी जो चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के, उन्होंने जो बात की उनके मुँह से शोभा नहीं देती, क्योंकि 5.5 साल से उनकी सरकार प्रदेश में चल रही है। अगर कोई एक आध अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो जांच कराते हैं, पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन उनके हाथ में है, तो उन्हें जांच करानी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और एकदम से कहना कि कलियर शरीफ में अय्याशी का अड्डा, हाँ वो बहुत गलत बात की उन्होंने, क्योंकि
पूरा इलाका कोई खराब नहीं हो सकता, इंसान अच्छा बुरा जरूर हो सकता है। यकीनन पिरान कलियर पाक सरजमी पर नापाक हरकतें नाकाबले बर्दाश्त हैं। अगर एक व्यक्ति गलत काम करता है तो इससे पूरी सरजमी को गलत नहीं ठहराया जा सकता, सही बात है। मगर सवाल कुछ और भी है, सिक्के का दूसरा पहलू। सवाल ये कि क्या शदाब शम्स ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई या फिर अपने राजनीतिक धर्म का फर्ज अदा किया? क्योंकि अगर वाकई में उस इलाके में इस तरह से नापाक गंदगी फैल रही है तो फिर उस गंदगी को साफ करने के लिए क्या सख्त कदम सरकार को नहीं उठाने चाहिए? और क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को ये बयान उस वक्त नहीं देना चाहिए जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि वहाँ सब कुछ गलत चल रहा है? जरा सोच कर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।